नमस्कार, इंडियन फूड में डिजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत डिफरेंट है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। स्ट्रीट फूड स्नैक्स हम सभी को बहुत पसंद होते हैं, तो आज की वीडियो में हम इंडियन स्ट्रीट फूड स्नैक्स ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो के लिए मैं कुछ अलग और नया स्नैक ट्राई करना चाहती थी, तो डिफरेंट स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए मैंने गूगल में गुड फूड नियर मी सर्च किया और मुझे बर्गर बॉयज जलंधर का सजेशन आया। बर्गर बॉयज वहां से दूर भी नहीं था और इंटरनेट पर उसके रिव्यूज भी अच्छे थे, तो मैं भी बर्गर बॉयज विजिट करने के लिए चली गई। तो चलिए आज हम बर्गर बॉयज विजिट करेंगे और इनकी कोई मोस्ट पॉपुलर इंडियन फूड स्नैक ट्राई करेंगे। अंजी भैया, क्या क्या स्पेशल है हमारे पास यहाँ पर? मैडम, अपने को बर्गर, सैलड, सब्वे, रैप, चार आइटम। बर्गर, सब्वे, रैप और सैलड। रैप्स में कौन कौन से हैं? रैप्स इको टाइप का है मैडम, सारा इको टाइप का, वेज और नॉन वेज है। अच्छा, वेज और नॉन वेज। वेज में क्या होता है, मतलब उसमें सब्जियां? हाँ जी, वेजेस होती है सारी, और आलू पैटी और पनीर। वेज रोल ना यहाँ पे सर्व करते हैं। तो मेरा ऑर्डर किया हुआ वेज रोल आ गया हुआ है, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो आइए इसको हम खोलकर देखते हैं कि इन्होंने इसमें क्या कुछ डाला है। ओके, एंड लुक्स यम्मी। देखिए, पनीर है, कॉर्न्स हैं इसमें, कैबेज है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने वेज रोल ऑर्डर किया था, तो उसमें इन्होंने ये आलू टिक्की भी डाली है, जो कि बहुत टेस्टी लग रही है इसमें। आई थिंक थोड़ा इन्होंने मायनीज डालकर इसमें और सॉसी सा बनाया है इसको, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। मायनीज होने के कारण इसमें बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है, और प्याज है और कैप्सिकम है, लेटिस है, जिसके कारण ये बहुत ही क्रंची है बहुत खाने में। एंड इसमें ब्लैक पेपर भी है जैसे कि आप देख सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो ऑल टुगेदर ये बहुत ही यम्मी है। तो आज की वीडियो में मैं इस टेस्टी इंडियन स्ट्रीट फूड को घर पर बनाकर तैयार करूँगी। तो चलिए आज हम वेज रोल रेसिपी घर पर बनाकर तैयार करेंगे। बर्गर बॉयज से टेस्टी वेज रोल खाने के बाद मैं सीधा गई एक सुपर स्टोर, जहाँ से मैंने वेज रोल के इंग्रेडिएंट्स खरीदे। अब वेज रोल रेसिपी के लिए मैं इन सब इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करूंगी, जिनमें सभी सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है और आलूओं को उबाल लिया है। अब वेज रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में डालें एक कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा, एक चौथाई टेबलस्पून नमक और एक टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर इन सभी को मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसे बिना मैदे के भी बना सकते हैं। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। वेज रोल के लिए आटा गूंदकर तैयार है। इसे हम फिलहाल के लिए ढककर अलग रख देंगे, जितने देर में हम वेज रोल की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। तेल गर्म होने पर इसमें एक बारीक काटी हुई हरी मिर्ची डालकर थोड़ा भून लें। अब डालें 7 से 8 चॉप की हुई लहसुन की कलियां और लंबे काटे हुए 2 प्याज डालकर थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लें। अब इसमें लंबी काटी हुई 1 शिमला मिर्च डालें और इसे भी हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इन्हें हमें गलाना नहीं है, बस इनका कच्चापन हट जाने तक पकाना है। शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम 150 ग्राम पनीर को क्यूब्स में काटकर डाल देंगे।
इसमें हम डाल रहे हैं मैश किए हुए दो उबले हुए आलू। रेसिपी आसान बनाने के लिए हम आलू टिक्की की जगह उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलू और पनीर से ये वेज रोल खाने में बहुत सॉफ्ट लगेगा। अब इसमें 4 टेबलस्पून फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स डालकर मिला दें। मसालों में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला, आधा टेबलस्पून पीसी हुई काली मिर्ची पाउडर और 1.5 से 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालकर इन सभी को अच्छे से मिला दें। तकरीबन 2 मिनट पकाने पर जब सभी मसाले और सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब ये स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे हम ठंडा होने के लिए फिलहाल अलग रख देंगे। अब हम वेज रोल के रैप बनाएंगे जिसके लिए हमने आटा गूंधा था। रैप बेसिकली रोटी है जिसे हमने आम रोटी से पतला बनाना है। अब आटे का छोटा पेड़ा लें और इसे सूखा आटा लगाकर बेलकर फ्लैट कर लें। हमने इसमें मैदा डाला है ताकि ये ज्यादा पतली और बड़ी रोटी बन सके। वेज रोल के लिए एकदम परफेक्ट और पतली रोटी बनकर तैयार है। अब इसे हम तवे पर सेक लेंगे। रोटी की दोनों तरफ हम थोड़ा घी या कुकिंग ऑयल लगाकर सेक लेंगे। वेज रोल बनाने के लिए परफेक्ट रोटी बनकर तैयार है। अब एक कटोरी में डालें 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मेयोनीज डालकर अच्छे से मिला लें। इनसे हमारे वेज रोल बहुत क्रीमी से बनकर तैयार होंगे। अब फाइनली वेज रोल बनाने के लिए पकाई हुई रोटी लें। ये रोटी पतली पेली होने के कारण जल्दी सूख जाती है, इसलिए वेज रोल बनाने के लिए गरम गरम रोटी का ही इस्तेमाल करें। इस पर मेयोनीज केचप की पेस्ट हर तरफ अच्छे से फैलाकर लगा लें। अब इसके सेंटर में हम तैयार की हुई सब्जियों की स्टफिंग इस तरह से रख लेंगे। एक वेज रोल में हमने तकरीबन 4 से 5 चम्मच स्टफिंग ली है। इस पर हम डाल रहे हैं चॉप की हुई पत्ता गोभी, और चॉप की हुई गाजर। इन सब्जियों को हम कच्चा ही डाल रहे हैं ताकि वेज रोल में क्रंचीनेस आए। इनसे वेज रोल में कलर भी आएगा। अब रोटी को इस तरह दोनों तरफ से रोल कर लें। इसे इस तरह से रैप कर लें। हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, आप किचन फॉइल का भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा घर पर तैयार टेस्टी वेज रोल बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये डिफरेंट सी वीडियो पसंद आई होगी। मैं तो स्ट्रीट फूड की बहुत बड़ी फैन हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये टेस्टी वेज रोल घर पर बनाकर जरूर ट्राई करेंगे।
मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी टैग कर सकते हैं। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहें तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी से मैं अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।